फैक्ट्री बनानी है तो इस फैक्ट्री के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होगा। हम दृष्टांत फैक्ट्री करें, अच्छा उसके लिए ये समय उपयुक्त है कि नहीं, देश कालो संकीर्त, पहले स्थान और फिर देखो कि ये समय उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं है। माने ये भी आ जाना चाहिए समझ में ये काम करने में कितनी बाधा पड़ेगी, कितनी सफलता मिलेगी, राजा का सहयोग कितना प्राप्त होगा, प्रजा का सहयोग कितना प्राप्त होगा। इसका नाम होता है संकल्प, ये कल्प वृक्ष है। संकल्प माने पूरी योजना ध्यान में आ जानी चाहिए। तो स्थान का निश्चय करके और समय का निश्चय करके फिर अपनी परंपरा की ओर भी देखना चाहिए। माने अमुक गोत्र अमुक पुत्र अमुको हम, जैसे हम वैश्य हैं तो हमको व्यापार करना चाहिए, क्षत्रिय हैं और तो रक्षा के काम में विशेष दृष्टि लेनी चाहिए, ब्राह्मण हैं तो पढ़ने लिखने के काम में ध्यान देना चाहिए। परंपरा का भी प्रभाव पड़ता है, वैश्य में व्यापार करने के लिए परंपरा से आई हुई एक बुद्धि होती है शक्ति, ब्राह्मण में विद्या यज्ञ कराने की एक परंपरागत शक्ति आई होती है। तो अपने गोत्र, अपने पिता पितामह और अपना स्मरण करके, बड़े बूढ़ों का स्मरण करके काम करना चाहिए। वो कर्म परंपरागत होना चाहिए। अच्छा फिर वो काम कितना बड़ा होना चाहिए,
जैसे 108 फागुन बैठाने हैं, कोई मशीन आपको बैठाने है तो उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए और वो कितना चक्कर लगाने के बाद वो मशीन खराब हो जाएगी, ये भी मालूम होना चाहिए। ये उम्र हुई उसकी, ये हम आपको ये जो संकल्प हम लोग करते हैं उसकी बात सुना। और कितनी सर्दी गर्मी वो सह सकेगी, कितनी सर्दी में ठप हो जाएगी, कितनी सर्दी में चलेगी, कितनी गर्मी में चलेगी, कितनी गर्मी में बंद हो जाएगी, ये उसकी शक्ति हो गई। तो कितना भोग, कितनी आयु और क्या उसकी आकृति, उसको करने के लिए कितने लोग लग रहे चाहिए, ब्राह्मण कितने होने चाहिए, पाठ करने के लिए ब्राह्मण कितने होने चाहिए और वो कितना काम भोज करेंगे तो वो पूरा होगा कितने समय तक, और कितना पाठ करेंगे तो पूरा होगा। ये संकल्प करो, इसका नाम है संकल्प, इसका नाम है योजना। फिर उससे जो फल निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा उसका, तो वो नतीजा लोगों के लिए कैसा होगा, करने वाले के लिए कैसा होगा और राजा के लिए कैसा होगा। ऐसे समझो, एक मामूली बात आपको सुनाते हैं, हम कल्याण के संपादन में काम करते थे, नौकर नहीं थे, दिया दिया नहीं उनसे कुछ, कभी नहीं लिए। पर जब हम कोई लेख लिखते थे और रोज लिखते थे और एक एक अंक में साधारण में भी चार चार लेख जाते थे और बड़े अंकों में तो 50-50 लेख जाते थे, तो हम ये सोचते थे हमारा लेख पढ़ के भाई जी को कैसा लगेगा, हनुमान प्रसाद जी को कैसा, माने हम जो काम कर रहे हैं वो ईश्वर को कैसा लगेगा, राजा को कैसा लगेगा, प्रजा को, जनता को, भक्तजनों को कैसा लगेगा, और उसका परिणाम हमारे लिए सुख की प्राप्ति है, वैकुंठ की प्राप्ति है, स्वर्ग की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है कि नहीं है। इतनी बात पर विचार करके हम संकल्प जो ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना आरंभ में, उस संकल्प का अर्थ होता है जो काम हम करने जा रहे हैं उसकी पूरी योजना। अच्छा, आधा नहीं सोचना, पूरा का पूरा सोचना है। अब आप श्री कृष्ण चरित्र तो सुनेंगे और मधुर मधुर सुनेंगे, जब वृंदावन के भागवत भूषण और प्रसिद्ध शिरोमणि पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी बखता हैं तो ये तो सुनाएंगे ही। हम एक दूसरा पक्ष उसका सुनाते हैं। आपका ध्यान कभी इस बात पर गया हो कि नहीं गया? एक बालक जेल खाने में पैदा होता है, आप नाम मत लीजिए उसका, उसका जन्म हुआ जेल खाने में, उसके माँ बाप कैदी थे और राजा जो था मामा वो बहुत विरोधी था, जेल खाने में हुआ जन्म, माने उसकी उन्नति के लिए तो कोई अवकाश ही नहीं था, जब जन्म ही जेल खाने में हुआ और बाप माँ बाप ही जेल खाने में है तो उसकी क्या उन्नति होगी। पर देखो माँ बाप ऐसे निकले, ऐसा उत्साह, ऐसा साहस, ऐसा धैर्य कि उन्होंने अपने को तो जेल खाने में रखा लेकिन बच्चे को पहुंचा दिया दूसरे के घर, अपने बेटे की उन्नति चाहने वाले को
कितना उत्साही, कितना धैर्यवान, कितना साहसी होना चाहिए। अभी हम बात दुनियादारी की बात आप कुछ ना, पिता पुत्र के लिए सब कुछ करता है। आज भी किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा या सुना, आज ही असल में पुत्र पिता की सेवा करे ये तो एक मामूली बात है। पिता जो है वो अपनी शक्ति और अपनी संपत्ति और अपनी बुद्धि अपने बेटों के सुख समृद्धि के लिए लगावे, ये मुख्य बात है। मैं समझता हूँ तपोवन जी के जीवन चरित्र में ये बात है। अच्छा, तो वहां जाके पहले ही दिन कृष्ण राजा हो गए गोकुल में। राजा नहीं हुए, पहले मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गए। जहर पिलाने के लिए कौन आ? अरे भाई, कंस की बहन पूतना, कंस की बहन देवकी, कंस की बहन पूतना, मौसी जी आके जहर पिलाने के लिए बच्चे को गोद में ले लिया। कृष्ण ने बहुत सुख भोगा होगा, नहीं डरना नहीं चाहिए। कभी ऐसा प्रसंग भी जीवन में आ जाए तो जहर पी के भी आदमी आगे बढ़ता है। एक दिन छकड़ा ही उलट के गिर पड़ा। ये कौन सुख समृद्धि की बात है? बड़े भारी ईश्वर थे कृष्ण। अरे भाई, ईश्वर ईश्वर तो बाद में भक्त लोग जो है ना वो पहचानते हैं और कहते हैं और मानते हैं, और कृष्ण स्वयं भगवान है ये भी ठीक है, लेकिन एक मनुष्य को अपनी साधारण स्थिति से आगे बढ़ने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। बवंडर उड़ा ले गया, बवंडर आप नहीं जानते, ये गर्मी के दिनों में जो धूल से उठते हैं, वात्या बोलते हैं संस्कृत में, हवा का बवंडर आया और उसमें कृष्ण ऊपर उड़ गए। क्या बोले, अरे हाय हाय, बाहर मत निकलो, मौसी जी दूध पिला जाए, जहर पिला के हाथ में खाओ मां, छकड़ा गिर पड़ता है तो कहीं नीचे सो मत। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बोला पढ़ते चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उड़ गए तो क्या हुआ, तो जमे गए। आप देखो, कहते हैं ईश्वर मुक्त होता है, लेकिन ईश्वर को पत्थर में भी जाना पड़ता है। केवल माँ बाप जेल में खा हो सो बात नहीं, मैया ने रस्सी से कल में बांध दिया। अब कृष्ण रोने लगे, हाय मेरी मैया कैसी, हमको उखल में बांधती है, और वहीं अपने जीवन का जो उत्कर्ष है, उन्नति है, प्रगति जो करना है जीवन में, उससे वही निराश हो जाएंगे। जब मैया ही बांधती है तो क्या करना है? अरे बाबा, मैया भी विरोध करे तब भी आगे तो बढ़ना ही है। अच्छा भाई, और देखो, असल का काम करना चाहिए ना। पेड़ गिर पड़े तो पेड़ के नीचे मत जाना, नहीं खूब पेड़ पर चढ़ के बांसुरी बजाना। ये नहीं कि पेड़ गिरने से डर गए और निराश हो गए। और आजकल तो हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, हमको डिप्रेशन हो गया है। हे भगवान, ये डिप्रेशन नाम का कोई रोग आया है? तो पेड़ गिर पड़ा तो डिप्रेशन हो गया। हे भगवान, आओ काम करते चलो, करो उत्साह चाहिए, साहस चाहिए, आगे बढ़ो। अच्छा, कंस का हुक्म था कि जितना भी दही दूध मक्खन घी रबड़ी मलाई ब्रज भूमि में पैदा हो
वो सब कंस के पास भेज दी जाए मथुरा में। कृष्ण ने अपने माँ बाप की ओर देखा, भाई बंधुओं की ओर देखा, भाई क्या करना चाहिए। बोले महाराज, अरे कृष्ण कन्हैया, कंस के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बोले अच्छा, बालकों का संगठन बना हो। बोले देखो, रोज उनके घर में से वो निकाले, कल तुम्हारे घर में से निकालेंगे, परसों उनके घर में से निकालेंगे, सब माखन मिश्री दूध हम लोग लेके खाएंगे और मुस्तंदे हो जाएंगे और बहादुर बनेंगे। और माँ बाप चिल्लाते रहे, हमारे घर में चोरी हो जाती है, हम क्या करें, हमारे घर में चोरी हो जाती है, कंस का हुक्म कहाँ से चले। ये बुद्धि, बुद्धि की बात। आप पूजा करते हैं ना, कोई काम करते हैं तो गणेश और का गौरी गणेश, गौरी माने शक्ति बस, और गणेश माने बुद्धि, बुद्धि के देवता गणेश है और शक्ति की देवता गौरी है। गौरी गणेश की पूजा करके माने बुद्धि और बल लेकर तब हमको किसी कर्म में प्रवेश करना चाहिए। नारायण नाथ, ये सब भी मनुष्य के जीवन का वो आनंद है। चोरी ने उधर कंस के पास मक्खन मिश्री पहुंचने से बचाया, इधर ग्वाल बालों को गरीबी से बचाया, और हमारे बच्चे सब के सब हृष्ट पुष्ट हो गए। अच्छा, और कृष्ण बड़े सुखी थे महाराज, नाचते थे। लोग कहते हैं इतनी गोपियों के साथ रास करते थे। 11 बरस का बालक नाचेगा नहीं, गावेगा नहीं, बजावेगा नहीं और खेलेगा नहीं, उसके ऊपर लगातार रोक रहे कृष्ण, गोपियों के साथ मत मिलना, ग्वालों के साथ मिलके माखन की चोरी मत करना, तो ये सब कुछ नहीं। इतना आदर था कृष्ण का। ये हम बड़े लोगों को जरा उनका ध्यान खींचते हैं, कृष्ण कितने छोटे थे और नंद बाबा कितने बड़े थे। नंद बाबा पीढ़ी दर पीढ़ी से और बचपन से इंद्र देवता की पूजा करते आ रहे थे, और कृष्ण ने कहा कि बाबा गिरिजा की पूजा करो। अब जरा आप नंद बाबा की जगह पर होते तो क्या करते, एक चल चल का बच्चा सिखाने आया है हमको। बच्चा भी अगर सही बात करता हो, जुक्ति जुक्त बात करता हो, अकल की बात करता हो, तो बच्चा हो तब भी उसकी बात का आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। क्या कृष्ण के जीवन में कोई विपत्तियों का अंत है? जेल में पैदा हुए, गोकुल में जाके गाय चराई, मथुरा छोड़ के भागना पड़ा, और नारायण आश्रम आश्रम में रह के भीख मांग के खाना पड़ा है? द्वारका बसाई तो वहां न कोई बेटा अपनी बात सुने, नाती पोता कोई बात सुने, न खाने पीने में कोई कृष्ण का माने, जो मर्जी सो खाएं, जो मर्जी सो पिए, जैसे मर्जी हो सो रहें, लेकिन कृष्ण वो जिनके चेहरे पर मुस्कान, मन मन मुस्कान, नहीं मानते बेटे क्या हुआ, नहीं मानते पोते क्या हुआ, है अपना नगर छोड़ना पड़ा क्या हुआ, अपने मित्रों में लड़ाई हो गई का क्या हुआ, अपने साले को बांधना पड़ा तो क्या हुआ, अपने समझी को मारना पड़ा तो क्या हुआ, कैसा एकदम एक रस बहादुरी का जीवन श्री कृष्ण का बीतता है। जो लोग समझते हैं कि कृष्ण सिर्फ माखन चोरी करते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं, अरे बाबा कितना कष्ट उठा के कृष्ण ने
कितनी विपत्ति सह के, कितना कष्ट उठा के, कितना भय दूसान करके कृष्ण ने कृष्ण की पदवी प्राप्त की है, जरा उस पर ध्यान तो दो। एक मनुष्य के लिए कितना उत्साह चाहिए जीवन में, कितना पौरुष चाहिए जीवन में, कितना धैर्य चाहिए जीवन में। हजार हजार संकट आवे पर चटकता जाए और आगे बढ़ता जाए, ये बात कृष्ण के जीवन से हमको सीखने को मिलती है। हम तो ये बालकों के लिए, जो वो समझते हैं कि उसमें केवल नाचने की, गाने की, चोरी की, पूजा की बात सिर्फ भरी हुई है, सो बात नहीं है। हम लोगों के जीवन के लिए भी बहुत बात है।